मैं हूं डॉक्टर मनदीप और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि चाय के क्या क्या नुकसान है अगर हम पीते हैं। दोस्तों आपको चाय की हिस्ट्री तो पता ही है, कैसे जो बाहर से विदेशी लोग आए थे वो अपने साथ लेकर आए थे और कैसे उन्होंने सारे भारत को नशे पे लगा दिया है और भारत का रूटीन बन गया है अब कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग, महिलाएं या चाहे वो प्रेग्नेंट हैं, वो भी इसके नुकसान जाने बिना इसको लगातार पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि बहुत ही ये फ्रेश है, ये तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके हैरानी करने वाले, इतने भयानक हैं जो साइड इफ़ेक्ट हैं कि उसके बाद आप चाय पीना बिल्कुल भूल जाओगे, पिएंगे नहीं। तो चाय के जो सबसे पहले बात करते हैं रंग की, चाय का जो रंग है ज़्यादातर हरा, बिल्कुल काला और पीले और ब्राउन रंग के बीच का रंग होता है, जहाँ कई चाय का रंग पीला भी हो सकता है और थोड़ा बहुत लाइट ब्राउन होता है। चाय का रंग कभी भी लाल नहीं होता। तो पहले जान लेते हैं चाय के अंदर होता क्या कुछ है कि जब आप पीते हैं ये आपको नुकसान करता है। सबसे ज़्यादा होता है इसमें कैफीन, ये एक तरह का नशा है जो कोल्ड ड्रिंक्स में भी पाया जाता है, जो ताजगी महसूस कराता है। 100 ग्राम चाय के अंदर करीबन 3 ग्राम तक कैफीन होता है। टैनिन्स होते हैं इसके अंदर, और जो लोग आप मूवीज़ में एडवर्टाइजमेंट में देखते हो लाल रंग की चाय, तो चाय का रंग नहीं होता। चाय के हमने डिस्कस कर लिया 3 ही रंग होते हैं, लाल रंग नहीं होता। इसके लिए ये बिस्मार्क ब्राउन डाई एक इसके अंदर कलरिंग एजेंट रंग डालते हैं जो आपको बिना बताए ही डाल दिया जाता है, और चाय के कुदरती रंग लाल कभी नहीं होता। तो यहीं से सारे नुकसान शुरू होते हैं। अब इसके चलते हैं कि नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, कितने नुकसान हैं आपको। जो लोग सुबह खाली पेट चाय पीते हैं, पहले तो वो जैसे सुबह एक गिलास पानी पीते हैं कि तेजाब उनका कम हो जाए, तो सुबह खाली पेट चाय पीने के बहुत सारे नुकसान हैं, कि जैसे कि एसिडिटी, तेजाब बनने के लिए कि ना बने उनको, उन्होंने पहले पानी पी लिया अब उन्होंने तेजाब बनाने वाली चीज़ पी ली है। एसिडिटी, नौजिया, नौजिया होता है कि सारा दिन इतना तेजाब बन गया कि उल्टी आने जैसी महसूस होता रहे। और जो लोग सुबह ही उठते चाय पी लेते हैं उनको एक सबसे ज़्यादा दिन भर आती है, और दिन में जो लोग ज़्यादा समय चाय पीते हैं 1 से 2 कप, जो सुबह जैसे 1 कप है नॉर्मल चाय, ठीक है, अब उसके बिना भी कई लोग 2-2 कप पी जाते हैं, तो एसिडिटी नौजिया के साथ सिर दर्द उनका सारा दिन चलता रहता है, फिर सिर दर्द को आराम करने के लिए वो एक बार और चाय पीते हैं। और ये सारा कुछ होता है नुकसान कैफीन की वजह से, कैफीन एक नशा है, तो फिर से उनका सिर दर्द कुछ देर के लिए कम होता है, और सिर दर्द जब वो ज़्यादा 2-3 कप चाय पीते रहते हैं दिन में और सुबह खाली पेट से शुरू करते हैं, सिर दर्द बढ़ता जाता है। अब दिन में भी कई लोग हैं 2-2, 3-3 कप चाय पी जाते हैं, जैसे सुबह तो चाय पीने के नुकसान है ही हैं जो खाली पेट पीते हैं, तो दिन में जो चाय के कप 2-2, 3-3 पीते हैं उनमें डिजीनेस है, सारा दिन सुस्त है। जैसे सुबह 2-3 जिन्होंने खाली पेट चाय पी ली, उसके बाद जो उसके बाद दिन में फिर 10-11 बजे चाय पीते हैं, खास करके बच्चों की पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, दिमाग उनका सुन्न रहने लग जाता है। और कैफीन है, ये कैफीन है डिप्रेशन में भेज देती है मरीज को, और वो और ज़्यादा फिर चाय ढूंढता है दिन के टाइम की, 2 कप से काम नहीं बनेगी, मूड फ्रेश नहीं हुआ, 1 कप और लाओ, और उसका डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ता जाता है कैफीन की वजह से, ये नशे की वजह से बहुत ही खतरनाक नशा है ये। फिर दिन के समय कई शाम के समय भी क्या करते हैं कि शाम के समय भी कईयों की आदत है 2-2 कप चाय पीने की, तो उनको रेस्टलेसनेस रहती है सारा दिन, उनका एक जगह मन नहीं टिकता और शरीर में कहीं ना कहीं उनके दर्द चलता रहता है और वो बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर एन्जाइटी है, दिमागी घबराहट है महिलाओं और पुरुषों में आ जाती है, गुस्सा आ जाना, बार बार स्वभाव है उनका चिड़चिड़ा हो जाना, ये भी जो दिन के शाम के समय चाय पीते हैं 2-2 कप उनके साथ, क्योंकि कैफीन और टैनिन है ये मूड को डिस्टर्ब करते हैं और बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट करते हैं। अब जो बिस्मार्क ब्राउन डाई है, कई लोगों की आदत है कि दिन में 5-5 कप चाय पी जाएंगे, सारा दिन खाली पेट से शुरू करेंगे, रात तक पीते रहेंगे, उनके साथ क्या होता है, ये जो केमिकल इसके अंदर डालते हैं ये स्किन को ख़राब कर देता है, स्किन के अंदर डार्कनेस है, काला करने लग जाता है, गुर्दे हैं उनको ख़राब करने लग जाता है। पहले तो एक बार चाय से खुलकर पेशाब आता है, पर बाद में गुर्दे धीरे धीरे ख़राब आने लग जाते हैं और पेशाब कम आने लग जाता है, लीवर ख़राब होने लग जाता है जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, जो 2-2, 4-4 कप दिन में पीते रहते हैं, बाल हैं ये झड़ने लग जाते हैं क्योंकि इसके अंदर कलरिंग एजेंट जो भारत में मिलती है दानेदार चाय, बहुत ज़्यादा नुकसान है जो खाली पेट पीना शुरू करते हैं और दिन में 4-4 कप पीने लग जाते हैं, और चाय के साथ शुगर भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, इसलिए
डायबिटीज़ भी ये नई बीमारी आ गई है, तो खाली पेट चाय से लेकर दिन में चार चार पाँच पाँच कप पीते हैं, बालों के लिए, लीवर के लिए, गुर्दे के लिए और चमड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ये नुकसान करते हैं। अब क्या होता है, जिनकी आदत है पाँच पाँच कप चाय पीने की दिन में, उनको खून की कमी होने लग जाती है, क्योंकि एक तत्व होता है इसके अंदर टैनिन है, ये खून की कमी करता है और जितना भी आप खाना खाएंगे उसमें से आयरन नहीं निकलने देता, ये बॉडी के अंदर नहीं जाने देता आयरन को। अब जो प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर टैनिन की वजह से खून की कमी हो सकती है, और कैफीन है और टैनिन है और ये जो इसके अंदर केमिकल डाला हुआ है, ये मिलकर बच्चे के दिमागी और शारीरिक विकास के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है, तो प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं लेना चाहिए। अब क्या करते हैं, कई लोग जो रात को या शाम के समय तीन तीन चीज चार चार कप चाय पीते रहते हैं, उनके अंदर पेशाब की दिक्कत आ जाती है और उनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है रात को उठ उठ के, वो दवाइयाँ खाते रह जाए हैं, प्रोस्टेट के टेस्ट कराते हैं, कोई कोई टेस्ट कराता है, पर फिर भी वो ठीक नहीं होता, क्योंकि ये जो कैफीन नशा है ये पेशाब को ज़्यादा मात्रा में लाता है और इसीलिए चाय पीने का ये नुकसान है, नींद की दिक्कत आने लग जाती है, क्योंकि कैफीन है ये एक तो पेशाब की मात्रा बढ़ाएगा और दिमाग को एक्टिव करे रखता है, सुस्त होने नहीं देता, सुस्त होगा तभी नींद आएगी ना, तो दिमाग में तेज़ी बनाए रखता है, इसीलिए कैफीन की वजह से, क्योंकि इसका काम है सारे शरीर में तेज़ी लाना, बीपी बढ़ने लग जाता है आपका, उससे घबराहट होने लग जाती है, मेडिसिनों से भी कंट्रोल नहीं होता, तो दिल को बहुत नुकसान है और एसिडिटी बढ़ा कर ये और पेट को ख़राब करके, उसके अंदर अल्सर छाले बनाकर आंतड़ियों को ख़राब करके, लीवर को ख़राब करता है, उसके बाद कब्ज रहने लग जाती है, फिर ये दवाइयों से भी नहीं जाती। और महिलाओं और पुरुषों के अंदर जिनके अभी बच्चा जो लेने की ड्राइव कर रहे हैं, उनको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं इनफर्टिलिटी भी पैदा करते हैं, महिलाओं के अंदर अंडा बनने की प्रक्रिया, पुरुषों के अंदर शुक्राणुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और ज़्यादातर क्या है, सबसे तगड़ा इसका खतरा कॉम्बिनेशन है दूध के साथ, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही जो भारत में चाय मिल रही है दानेदार, इतने ज़्यादा केमिकल डाले होते हैं और दूध के साथ है, ये एक तरह का जहर है, पॉइजन वाला घोल तैयार हो जाता है, जो पूरी बॉडी को, आपकी हड्डियों को, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, घुटने सूज जाते हैं, कैल्शियम की कमी है, सारी बॉडी कमज़ोर कर देता है ये कम्बिनेशन, ये नहीं करना है। अब करना क्या है कि आप सेफ रहें, है ना, तो इसके लिए आप पहले तो दानेदार चाय छोड़ दें, आपको फुल लीव्स मिल जाएंगे, जो पंसारी की दुकान से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फली वाली चाय, इसके अंदर केमिकल नहीं डाले होते हैं, और फली वाली चाय आप शायद के साथ लीजिए ताकि शुगर जैसी आपको दिक्कत ना आए, तो ये चाय आप एक से दो कप ले सकते हैं, ये सेफ रहेगी, ये आपके लिए आपको चाय छोड़ने में ये मदद करेगी और इसका कोई आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान है इसी से होता है, जो डाई केमिकल से। तो होप है आपको समझ आ गया होगा कि चाय पीने के खाली पेट है और रात को सोते समय है, जहाँ दिन में हम पीते हैं, कैसे हमें ये बीमार करता है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कब नहीं पीनी चाहिए, सारा पता लग गया होगा, और कैसे छोड़नी है, कौन सी चाय पीनी है। तो ऐसे हमारी और भी चैनल पर बहुत सारी हेल्थ टॉपिक्स पर इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे रेड कलर का बटन दबाकर, ताकि हम जो साइंस को आपको हिंदी में समझाते हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात आपके लिए लेकर आते हैं, आपको कहीं और मिलने वाली नहीं है। तो इसके बिना भी हमारे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया है, एलर्जी है, अस्थमा है, पेट की बीमारियां हैं, कैंसर है, खून के कैंसर है, हड्डियों के कैंसर है, चमड़ी का कैंसर है, सभी के ऊपर हमारी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।